मेरे कुछ दोस्तों के पास वक्त नहीं है, लेकिन इच्छा जरूर है अच्छा एक्वेरियम, अच्छा फिशेस रखने का घर में। कुछ कुछ दोस्त सोचता ये भी कि अरे दादा मैं तो रखना चाहता हूँ फिश, लेकिन वो मेंटेनेंस वो सब मुझे टाइम ही नहीं है मेरा पास, क्या मेंटेन करूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। और कोई कोई दोस्त का बजट भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि दिल तो करता है कि अच्छा अच्छा फिशेस रखूँ, लेकिन दादा बजट में नहीं आता है। तो दोस्तों आप सभी का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वीडियो में शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर आज का जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को पूरा तक देखिए, आई होप यू लाइक इट। और हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है लेक मालावी सिकलेट। ये लेक मालावी सिकलेट ऐसा एक वैरायटी है जो आप बहुत ही कम समय में, कम लागत देके, कम मेंटेनेंस करके और कम बजट में एक बढ़िया सा मालावी सिकलेट का टैंक बना सकते हैं, और जो बहुत कलरफुल और बहुत अच्छा दिखता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके टैंक साइज के ऊपर। देखिए मिनिमम टैंक साइज 2 से 2.5 फीट का टैंक अगर आपके पास है सो यू कैन गो विथ मालावी सिकलेट। और अगर डेकोरेशन की बात करें, लाइट की बात करें, तो आप कोई अच्छा एलईडी लाइट लगा सकते हैं, ज़्यादा उतना झिकझिक नहीं है। और डेकोरेशन में आप वो जो डेड रॉक है, कोरल, डेड कोरल है, वो सब स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह, ये सब अगर आप थोड़ा दे देते हैं टैंक में, तो इसका जो नेचुरल कलर है ना ये रहेगा, क्योंकि इसको वो जो होल में, रॉक में, इसको अंदर जाना बाहर आना ये इसका नॉर्मल हैबिट है, थोड़ा हाइड एंड सीक का ये इसका मैटर है। तो इसको आप अगर वो थोड़ा देख के एक आर्टिफिशियल एक वो एटमोसफियर अगर क्रिएट कर दे थोड़ा रॉक वगैरह, स्टोन्स वगैरह दे के, तो ये मालावी सिकलेट का कलर हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर मालावी का फूड हैबिट के बारे में बात करें, तो हिकारी का सिकलेट एक्सेल बोल के एक खाना आता है ड्राई फूड, वो आप दे सकते हैं। या फिर मैंने एक वीडियो में बताया था ना जो सिकलेट फिश फूड हैबिट बोल के पार्ट 2 जो वीडियो है यूट्यूब में मेरा, उस वीडियो में देखिएगा मैंने एक खाना दिखाया है जो हम लोग स्पेशली थाईलैंड से मंगवाते हैं, और मालावी सिकलेट वो उसका कलर, हेल्थ, ग्रोथ सब अच्छा लगता है। आप वो भी हम लोगों से मंगा सकते हैं या ले सकते हैं। तब टैंक डेकोरेशन के बारे में मैं थोड़ा बता दिया, लाइट का भी बता दिया, टैंक का साइज और खाना का भी थोड़ा बहुत बता दिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसलिए इन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा दोस्तों। और डिटेल्स में जाना है तो मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी टाइम। अभी इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि कितना मोटा मोटी वैरायटी आता है इंडिया में। देखिए 10 से 12 वैरायटी अवेलेबल ऑलमोस्ट आपको मिलेगा इंडिया में मालावी का, राइट। लेकिन हमारे पास अभी क्या क्या स्टॉक में है, अभी अगर ये वीडियो देखने के बाद दोज हु आर डिसाइडेड टू गो विथ सिकलेट्स टैंक, तो आप लोगों को अभी अशोक एक्वा फिश में क्या क्या वैरायटी मिलेगा चलिए देख लेते हैं, हैव अ लुक। आई होप दोस्तों हमारा जो मालावी सिकलेट का स्टॉक है ना वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो किसको क्या कहते हैं, किसका क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों इस पार्ट में ना मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ, और इसका बाद वाला पार्ट में मैं आपके लिए सरप्राइज रखा हूँ, वो सरप्राइज भी बताऊँगा, सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ना, बहुत बार मेरे पास ये एक कंप्लेन आता है या फिर ये एक प्रॉब्लम्स लेके मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि दादा सिकलेट्स मर क्यों जा रहा है। देखिए यहाँ पे ना 4-5 रीज़न है, एक कोई रीज़न नहीं है। पहला बात है अगर फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं हुआ, प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ये जो पॉटी उटी करता है ना उससे एमोनिया लेवल बढ़ जाता है, उससे भी आपका फिश प्रॉब्लम होता है। आप इतना सारा सिकलेट रहता है इंडिविजुअली, एक एक को तो आप देख नहीं पाएंगे, तो उससे एक होता है। बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है, वो बैक्टीरिया के वजह से भी इसका प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वाटर चेंज के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है वाइट स्पॉट लग जाता है, तो वाइट स्पॉट में जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर को थोड़ा ग्रो करवा देता है, सॉल्ट देता है, या एंटी फंगल बोल के जो मेडिसिन वगैरह है वो भी कभी कभी देना पड़ता है, राइट। और दो जो पॉइंट है वो कभी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। पहला है ये सिकलेट्स में ना ये खाना अगर टाइम पे नहीं मिलता ना सिकलेट्स को, या फिर खाना दे रहे हैं, मैं एक वीडियो में बताया था खाना आप लोग दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे दे रहे हैं सारा सिकलेट का खाना, मतलब सारा सिकलेट को खाना नहीं मिल रहा है, किसी किसी को मिल रहा है, किसी का छूट जा रहा है,
तो जब छूट जा रहा है ना खाना, तो भूख से अपने में लड़ाई कर रहा है। तो जितना भी आप खाना दे रहे हैं उसको कोशिश कीजिए 3 बार 4 बार तोड़ तोड़ के देने के लिए अलग अलग टाइम में, सो दैट सबको खाना मिले और उन लोगों को एक माइंडसेट हो जाए कि खाना बार बार मिलता है तो अपने में नहीं लड़ेगा। और एक बात है, इसको अच्छा तरीके से ध्यान में रखिए, कुछ कुछ मालाविका मैं अभी वैरायटी दिखाऊंगा, दीज आर वेरी एग्रेसिव सिकलेट्स, आप कोशिश कीजिएगा इससे थोड़ा अवॉइड करके रखने के लिए, कभी कभी वो आपके दूसरे सिकलेट्स को मार के भी इंजर कर देता है, तो वो सिकलेट्स को अच्छा तरीके से पहचान लीजिए। लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के, और लास्ट पार्ट में हम लोग बोले थे ना कि कुछ सरप्राइज है, तो दोस्तों सरप्राइज क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सिगलेट का 3D टैंक्स वगैरह का आपने अभी वीडियो में पिक्चर देखा है ना, इसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आ रहा था कि दादा हम लोगों को मालाविका टैंक बनाना है, 3D टैंक बनाना है, कैसे कहां से क्या लाए, कहां से कोरल लाए, कहां से वो होल रॉक लाए, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों के डिमांड के ऊपर, अशोक एक्वा ऑफिस पूरा सिगलेट्स का 3D टैंक सेटअप का हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। आपको वार्डरोब एक्वेरियम बनाना हो या टीवी टेबल एक्वेरियम बनाना हो जो आपने अभी पिक्चर में देखा, तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वट एवर योर विश इज जस्ट हम लोगों को व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, फ़ोन कीजिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सबाई खूब भलो थकबें, थैंक यू वेरी मच।